हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कपूर आज फिजिक्स में जेई मेंस के लिए एसएचएम डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जो मोशन है वो तीन टाइप से डिस्क्राइब्ड है, पीरियोडिक, ऑसिलेटरी एंड एसएचएम। पीरियोडिक मोशन, जैसे कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, रिपीट्स इटसेल्फ ओवर पीरियड ऑफ टाइम। जो ऑसिलेटरी मोशन है वो रिपीट तो करता ही है यहाँ पे साथ साथ, टू एंड फ्रो टाइप। जो SHM है वो रिपीट भी करता है, टू एंड फ्रो टाइप भी है, साथ में एक एडिशनल फीचर है रीस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें SHM में, सिस्टम का मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स। प्रोपोर्शनलिटी का जाना तो ये कहता है माइनस के एक्स, इसमें के एक कांस्टेंट है और नेगेटिव साइन शो करता है रीस्टोरिंग नेचर। तो इसके अंदर हम लोग देख लेते हैं एक बार। अब जैसे एज एफ की वैल्यू क्या होती है एम ए, देयरफॉर एम ए इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के एक्स, ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस के बाय एम एक्स, लेट के बाय एम इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी रूट के बाय एम, और ओमेगा जो होता है दैट इज टू पाई बाय टी टाइम पीरियड, के यहाँ पर टाइम पीरियड, टी यहाँ पर टाइम पीरियड है, तो टी की वैल्यू आ जाएगी टू पाई अंडर रूट एम बाय के। अगर बाय चांस हमें टाइम पीरियड पता करना है तो ये उसका तरीका है, ठीक है। तो अब देयरफॉर ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ए की वैल्यू होती है सेकेंड डेरिवेटिव में डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, ठीक है। ये SHM की डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्यूशन ऑफ अबव डिफरेंशियल इक्वेशन। इज x is equal to a sine omega t plus phi। इसमें ऐसे समझ लेते हैं कि ये पार्टिकल जो है इस तरीके से यहाँ पे ऑसिलेट करता है। दिस इज मीन पोजिशन, दिस इज एक्सट्रीम पोजिशन, राइट एक्सट्रीम, दिस इज लेफ्ट एक्सट्रीम। दिस इज मीन, दिस इज एक्सट्रीम राइट में, this is extreme left। So what is x? x is equal to displacement from mean, mean position se displacement, a is amplitude, phi is initial phase, initial phase matlab t is equal to zero pe, वैसे इस पूरे को phase बोला जाता है जो sine के अंदर है, this complete thing is known as फेस, ठीक है। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब
तो आप देख सकते हैं इसके अंदर अब x हमें दिया हुआ है, सॉल्यूशन जो है a sin omega t plus sin of, तो इस पर हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन, is represented as d square x by dt square plus alpha x is equal to 0, its time period. देख सकते हैं आप इसमें कि इसके इसके लिए हमें कैसे इसको देखना है, तो कंपेयरिंग इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। ये इक्वेशन है हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर आ गया अल्फा, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी रूट अल्फा, ओमेगा होता है 2π/T, सो वी गेट टी एज 2π/√α, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें, x दिया हुआ है हमें a sin omega t plus y naught, इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग विद रिस्पेक्ट टू t, वी गेट v एज a omega sin omega, सॉरी sin का डेरिवेटिव हो जाएगा cos, तो ये आ जाएगा cos omega t plus phi, फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमें आ जाएगा a is equal to minus a omega square sin omega t plus phi। तो अभी इसमें दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ठीक है। तो क्योंकि एज जो x ऐसे लिखा हुआ है साइन में, तो मुझे वेलोसिटी को भी साइन में ही लिखना है अगर, तो उसके लिए एक तरीका है, ऐसे क्यों कर रहा हूं वो भी बताते हैं अभी, क्योंकि मुझे फेज डिफरेंस पता करना है। तो फेज डिफरेंस जो होता है वो हमेशा सेम फंक्शन प्लस या माइनस कोई भी एंगल होता है, तो यहां पर भी ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस फाइव आएगा, तो देयरफॉर ये आ गया फेज डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वी इज पाई बाय टू, फेज डिफरेंस बिटवीन वी एंड ए इज अगेन पाई बाय टू, मतलब ये पूरे को माइनस करना है बेसिकली, एक्स में और वी में आप देखो ये ओमेगा टी प्लस फाइव है, ओमेगा टी प्लस फाइव है, तो प्लस पाई बाय टू है, तो इन दोनों में डिफरेंस ये है, ऐसे इन दोनों में डिफरेंस भी पाई बाय टू का है, तो x में और a में डिफरेंस पाई का आएगा, फेज डिफरेंस बिटवीन x एंड a इज पाई, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है इसमें। इसमें हम लोग देखते हैं फेज डिफरेंस क्लियर हो गया, वेलोसिटी x से आगे है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी से आगे है, तो अब इसके अंदर देख लेते हैं किस तरह से रिलेशन बिटवीन x एंड v, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू वन, क्योंकि साइन ओमेगा टी प्लस फाइव निकालते हैं, यहाँ से कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव निकालते हैं, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे वन आ जाएगा, तो आ गया, तो इसका
बेसिकली एक्स और वी में इलिप्स बनता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसका। ट्रेजेक्टरी बेसिकली इलिप्टिकल है, ट्रेजेक्टरी इज इलिप्स। तो इसको आप अगर वैसे लिखेंगे तो ये इस टाइप से बन जाएगा, ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से बन जाएगा। रिलेशन बिटवीन एक्स एंड ए, तो ए इज इक्वल टू, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, एक्स वाला और ए वाला, तो आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। दिस इज ट्रेजेक्टरी इज स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन हम लिखते हैं, SHM is a type of, ऑप्शन मिलती है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड या फिर डेसेलरेटेड मोशन, थर्ड है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड डेसेलरेटेड मोशन, बी है नन। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर कि SHM कौन से टाइप का मोशन है, क्योंकि हमें ये गिवन है कि जो एक्सेलरेशन जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो फॉर क्वेश्चन नंबर टू C is the right answer as acceleration proportional to displacement. Generally acceleration जो होती है वो zero होती है uniform motion के लिए, uniformly accelerated motion के लिए acceleration constant होती है, तो C is the right answer हमारे इस case के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं next question पे, question number three, particle in SHM having velocity v1 when displacement is x1 and velocity v2 when displacement is x2, then amplitude of motion is, ऑप्शन लेते हैं इसमें v1 x2 स्क्वायर माइनस v2 x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, बी पार्ट v1 x1 स्क्वायर माइनस वी टू एक्स टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर, सी पार्ट वी वन एक्स टू स्क्वायर माइनस वी टू एक्स वन स्क्वायर अपॉन वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर, फिर डी पार्ट है वी वन एक्स टू स्क्वायर प्लस v2 x1 स्क्वायर ऑन v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं इसके लिए तो इसके अंदर भी अब हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने अभी यहाँ पर पता किया है, ये जो फॉर्मूला था आप देखेंगे हमने हमने यहाँ पता किया था फॉर्मूला, ये फॉर्मूला में यूज करेंगे सॉल्यूशन, यूजिंग v इज इक्वल टू ओमेगा रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देयरफॉर v1 इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर
minus x1 square, v2 is equal to omega root a square minus x2 square. So divide kar dete hain isko, v1 by v2 root a square minus x1 square, a square minus x2 square, v1 square a square minus v1 square x2 square, v2 square a square minus v2 square x1 square. So yahan se a ki value aa jayegi v1 x2 ka whole square minus v2 x1 ka whole square divided by v1 square minus v2 square ka under the root. Ab check kar sakte hain v1 x2, c part is the right answer, clearly aa raha hai. आप इसको नोट कर लीजिए. नहीं आ गया, आगे बढ़ते हैं इसमें.
चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चंस के लिए। हमें जैसे क्वेश्चन देखते हैं, पॉइंट मास ऑसिलेट्स अलोंग एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग टू लॉ एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट cos omega t minus pi by 4 if acceleration of particle is written as a is equal to a cos omega t plus delta then ए की वैल्यू आ जाएगी एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर डेल्टा 3π/4। बी पार्ट है ए है एक्स नॉट डेल्टा है माइनस पाई बाय फोर, ए है एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर डेल्टा है पाई बाय फोर, बी पार्ट है एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर डेल्टा माइनस पाई बाय फोर। आइए इसको जरा अंडरस्टैंड करते हैं क्वेश्चन को हम। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें x तो दिया गया है x नॉट cos ओमेगा t माइनस पाई बाय फोर, वेलोसिटी इसके अंदर dx by dt से आएगी विच इज x नॉट ओमेगा cos का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन ओमेगा t माइनस पाई बाय फोर, एक्सेलरेशन आएगा डी वी बाई डी टी माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाय फोर। तो ए कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा पाई, इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। तो हम देख लेते हैं एक बार इसको कैसे हम लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा x नॉट ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाय फोर प्लस पाई, क्योंकि कॉस पाई प्लस थीटा विल बी माइनस कॉस थीटा, सेम आ जाएगा। देयरफॉर कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आएगी x नॉट ओमेगा स्क्वायर एंड जो डेल्टा है उसकी वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस पाई बाय ओमेगा टी प्लस डेल्टा है, तो दोनों लिखने में दिस इज 3π/4, ए इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर। ठीक है, अब ये देख लेते हैं हम जरा डिफरेंट इक्वेशंस इन SHM फॉर डिफरेंट पोजीशंस। अगर आप पोजीशन अलग अलग होंगी SHM में तो वो भी अलग अलग हो जाएंगे। जैसे केस वन, t इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है राइट में, तो जो इक्वेशन है उसकी वैल्यू ये होती है a साइन ओमेगा t। जनरल इक्वेशन हमें तो पता ही है क्या होगी, जनरल इक्वेशन ये है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस, तो इसमें आप देखेंगे फाई की वैल्यू जीरो, वेलोसिटी भी पॉजिटिव है। केस टू, ये सब t इज इक्वल टू जीरो की पोजीशन है, इधर आ रहा है t इज इक्वल टू जीरो पे यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो x इज इक्वल टू है a cos ओमेगा t, इसमें phi की वैल्यू आ जाएगी pi by 2, मतलब ओरिजिनल इसमें phi जब आप रखेंगे तो वो pi by 2 रखेंगे, velocity will be negative। Case 3,
मीन पोजीशन, यहाँ से लेफ्ट में जा रहे हैं, तो ये टी इक्वल टू जीरो की ही पोजीशन है, टी इक्वल टू जीरो का पार्टिकल यहाँ है, मतलब एक्स इक्वल टू आ गया माइनस ए साइन ओमेगा टी। तो इसके लिए हम फाई जो रखेंगे वो रखेंगे फाई, और वेलोसिटी विल बी नेगेटिव। एक केस और हम लोग ले लेते हैं, केस फोर। पार्टिकल जो है वो इधर से स्टार्ट होकर इधर जाएगा t इज इक्वल टू जीरो पर, तो हम x लेंगे अगर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस ए कॉस ओमेगा t, और वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव। इस केस में फाइव की वैल्यू जो होती है दैट इज 3π/2। तो इस तरीके से हम लोग इन सबको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। पार्टिकल t इज इक्वल टू जीरो पे कहाँ था, मीन पोजीशन पे था, तो ये इक्वेशन एक्सट्रीम पर राइट एक्सट्रीम में था और लेफ्ट में जा रहा है, टी इक्वल जीरो पे राइट में था तो ये इक्वेशन, टी इक्वल जीरो पे मीन पे था और लेफ्ट में जा रहा है तो ये इक्वेशन, टी इक्वल जीरो पे लेफ्ट एक्सट्रीम पे था और राइट में जा रहा है तो ये वाली इक्वेशन। तो ये तरीका है, इस तरीके से हम लोग इक्वेशन को डील कर सकते हैं। अच्छा और देख लेते हैं इसमें अभी, एनर्जी इन SHM प्रॉब्लम्स आगे डिस्कस करेंगे, वो ये देख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है वो है हाफ एम वी स्क्वायर, वी की वैल्यू हमें पता ही थी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी आती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी जो है उसकी वैल्यू होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, एज ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू थी के बाय एम, देयरफॉर यू की वैल्यू आ जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये के वर्सेस एक्स, या U वर्सेस X, K वर्सेस X का ग्राफ आएगा ऐसा उल्टा पैराबोला, और U वर्सेस X का ग्राफ आएगा इस टाइप से। इन दोनों को कंबाइन करके एक ही ग्राफ हम लोग बनाएंगे। एक ही उसमें आ जाएगा ये, और टोटल एनर्जी इज कॉन्स्टेंट इसके अंदर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये पॉइंट भी मार्क कर सकते हैं आप, जहां पे दोनों एनर्जी बराबर होंगी, ए बाय रूट टू माइनस ए बाय। फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन, वेयर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू टाइम्स पोटेंशियल। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन कर रहे हैं हम, तो
तो आइए अब इसको जरा एक बार सॉल्व कर लेते हैं हम। इस केस में फर्स्ट पार्ट जो है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये कैंसिल करने पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया, तो एक्स की वैल्यू आ जाती है ए बाय रूट टू प्लस माइनस। फर्स्ट का आंसर। सेकेंड का काइनेटिक एनर्जी टू टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी, तो इसमें आएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू टाइम्स हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। टर्म्स कैंसिल करने के बाद ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर आ रहा है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस ए बाय रूट थ्री। ठीक है, तो ये तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जो है पार्टिकल इन मास 1 kg इन मोशन अलोंग एक्स एक्सिस is given by u is equal to 4 1 minus cos 2x joules. The period of oscillation is 2 pi c pi by 2 d pi root 2। ठीक है, तो आइए इसको जरा अंडरस्टैंड करते हैं। सबको पता है f इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस du बाई डी एक्स। तो हम एक बार इसको अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, f विल बी इक्वल टू माइनस 4 0 प्लस 2 साइन 2x। तो एज x इज स्मॉल देयरफॉर साइन 2x अप्रोचेस टू 2x। एक्चुअली वैसे यहाँ कहीं लिखा नहीं है x इज स्मॉल, बट तरीका यही है इसको करने का, कहीं लिखा नहीं है अदरवाइज नहीं तो नहीं हो पाएगा ये क्वेश्चन। दिस इज माइनस 8 साइन 2x, तो दिस इज माइनस 8 अप्रोक्सीमेटली 2x। तो f की वैल्यू आ जाती है माइनस 16x। तो आप देख सकते हैं f जो है वो प्रोपोर्शनल टू x आ गया, उसके साथ जो बचेगा वो k है। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 2 पाई अंडर रूट m बाई k। तो m क्या है आप देख सकते हैं 1 और k क्या है 16, तो आंसर इज 2 पाई बाय 4, आंसर इज पाई बाय 2। ठीक है जी, ये तरीका था हमारे पास। तो फ्रेंड्स अभी इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे बढ़ेंगे और। ठीक है, हेलो सर।